संसार दियां वड्डियां वड्डियां लहरां नूं अते महान कारजां नूं आलोचक अते दीर्घ दृष्टि नाल वेखिए तां पता लगता है कि हर महत्वपूर्ण कारज दे पछोकड़ विच जो शक्ति कम कर रही है ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਉਚੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ महान युद्धां वेले भी कोई ना कोई सिद्धांत जनता दे सामने रख दिता जाता है ता जो ओ सिद्धांत जनता ले प्रेरक शक्ति बनिया रहे अते उस बदले उस देश दे वसनीक उत्साह नाल अपना बलिदान कर सकन। डंडिंग भारत दी नीति आदि तो ही शांति दी नीति रही है। डंडिंग स्वतंत्रता प्राप्त करने तो मगरों कई एक समय उत्ते जो सख्त अते कठिन सन भारत दी सरकार वल्लों अपनी इस दृढ़ नीति उत्ते ही चलती रही है। डंडिंग कोरिया दे युद्ध समय जिस विच अमरीका अते रूस भाग ले रहे सन किसी भी धड़े नाल अपने आप नूं संबंधित ना करके अते उत्थे भी अपनी सेना नूं ना भेज के भारत ने अपनी निरपक्षता अते शांति दी नीति दा प्रमाण दिता सी। डंडिंग 1956 विच मिस्र उत्ते हुए धावे दे संबंध विच भारत दी नीति एहो ही रही है। डंडिंग भारत निरा आप ही युद्ध विच भाग लैण तो बचिया नहीं रहना चाहुंदा सगों संयुक्त राष्ट्र दी नीति अनुसार भारत दे नेतावां दा दृढ़ विश्वास है कि संसार दे सारे देशां विच शांति रहनी चाहिदी है। डंडिंग इसलिए जद किते भी दो देशां विच खिचोतान वधदी है तां भारत दे नेता पूरा यतन करदे हन कि गलबात राहीं अते विचारां राहीं उन्हां दे इस झगड़े नूं नबेड़ दिता जावे। डंडिंग इस संबंध विच साढ़े प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी दियां यात्रावां अते यतन अते ऐलान सूरज वांग उज्जल हन